राज्यों में किसानों की कर्ज माफी के बाद ये बहस शुरू हो गई है कि ये महज छलावा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में यदि एक राज्य छत्तीसगढ़ को थोड़ा अलग कर दें तो दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी कर्ज माफी बर्दाश्त कर सके। क्या वजह है, क्यों इसको छलावा किया जा कहा जा रहा है? किसान भी नाराज हो रहे हैं कि जो उनसे वायदा किया गया था वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बर्डन में है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो वहां पे लगभग 1,87,000 करोड़ के आसपास कुल कर्ज है, और जो कमलनाथ सरकार ने ऋण माफी की घोषणा की है आधी अधूरी, उसको लेकर के 35 से 38 हजार करोड़ का बर्डन बढ़ रहा है। सरकार ने जब गुणा भाग लगाया तो ये पाया कि यदि पूर्ण कर्ज माफी कहते हैं करेंगे तो वो 60 हजार करोड़ से ऊपर जा रही थी, और राज्य सरकार की माली हालत ऐसी नहीं थी। लिहाजा उन्होंने डेडलाइन रख दिया 31 मार्च 2018, और जो ऋण माफ किया वो सिर्फ अल्पकालीन फसली ऋण, यानी कि जो कम समय के लिए किसान लेते हैं उसको माफ किया। इसी वजह से आलोचना हो रही है कि 31 मार्च तक तो ज़्यादातर किसान जो फसली ऋण लेते हैं वो चुका देते हैं, और क्योंकि 1 अप्रैल से उन्हें नया कर्ज लेना होता है। बेशक उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें साहूकार से मोटे ब्याज दर पे कर्ज लेना पड़ता है 2-4 दिनों के लिए, क्योंकि जब तक बैंक से दोबारा वो उसको अप्रूवल कराते हैं नए कर्ज की, उस बीच के लिए साहूकार उनसे मोटी रकम वसूलता है। तो क्यों नहीं पूर्ण कर्ज माफी हो रही है, एक ये सवाल है, और जब तक पूर्ण कर्ज माफी नहीं होगी तब तक ये सवाल उठता रहेगा। ठीक इसी तरह से यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो है 2-3 दिन तक दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट इस पे डिस्कस करते रहे, और अंततः उन्होंने भी ऐलान किया। उन्होंने डेडलाइन तो 30 नवंबर का रखा, लेकिन उन्होंने भी वही फार्मूला अपनाया कि जो भी फसली अल्पकालिक ऋण होगा वही माफ होगा, बेशक वो नेशनलाइज बैंक से लिया गया हो चाहे सहकारी बैंक से लिया गया हो। तो यहाँ पे किसानों के जो इसलिए जो है दुश्वारियां बढ़ गई कि जिन किसानों ने 2 बैंकों से ले रखा है या जिन किसानों ने डेडलाइन से पहले जो है कर्ज की अदायगी कर दी है उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आखिरकार कोई भी सरकार पूर्ण कर्ज माफी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ना तो राज्य सरकार के पास और ना ही इतना केंद्र सरकार के पास बजट ही नहीं। अभी याद होगा आपको दिल्ली तक किसानों ने कूच किया था, उसमें ढेर सारे संगठन, 200 के आसपास किसान संगठन शामिल थे, और 21 राजनीतिक दलों ने पहुंच करके उनका समर्थन किया था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी थे और विपक्ष के सारे नेता थे जिन्होंने माना कि हाँ ये किसानों के साथ होना चाहिए। उसके बाद से संसद में 2 बिल पेश हुए हैं, और उन बिल में से जो है 1 बिल पेश किया है राज सेट्टी ने, लोकसभा में बिल पेश किया है पूर्ण कर्ज माफी का, तो राज्यसभा में के रागेश ने बिल पेश किया है, उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात है, और उसमें ये साफ साफ है कि यानी कुल उत्पादन लागत का मिनिमम 1.5 गुना MSP मिलना चाहिए, और इस विधेयक में ये भी गारंटी दी गई है कि आप जो है न्यूनतम MSP पे सारे किसानों की खरीद सुनिश्चित करेंगे, और यदि वो खरीद नहीं हो पाई तो या किसी ने उससे कम पे खरीदा तो इसमें जेल और जुर्माने की भी व्यवस्था है कि जो आपने खरीदा और जो MSP है उसका दुगना आपको जुर्माना देना होगा। तो ये कुछ जो इस पे 21 दलों ने अपनी सहमति भी जताई है, लेकिन आप सहमति जताने के बाद राजनीति करना और बात है और उसे जमीन पे उतारना और बात है। ये तो सही है कि किसान, इस देश का किसान बेहाल है, बदहाल है, परेशान है, उसके ऊपर कर्ज का बर्डन है, खेती घाटे का सौदा हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार के पास भी इतना फंड नहीं है कि हर बार जो है किसान लोन ले और उसे माफ कर दे। तो काम इस पे होना चाहिए, किसानों की फसल की वाजिब कीमत कैसे मिले और कैसे किसानों की खेती की लागत कम हो। ये इस पे दावा है जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, उनका BM सिंह भी इसमें संयोजक थे, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले ये आंदोलन हुआ था कि यदि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पे काम हो जाता है, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के कई मानक बनाए थे, और इनकी मांग ये है कि सिर्फ जो है लागत से मतलब सिर्फ वो नहीं कि बीज और खाद में जो लागत आती है वही, बल्कि किसान का जो श्रम है उसकी भी लागत उसमें जोड़ी जानी चाहिए, तब उसका 1.5 गुना निर्धारित किया जाना चाहिए, तो शायद किसानों को कुछ राहत मिले। तो
पूर्ण कर्ज माफी और किसानों की लागत का 1.5 गुना MSP, जब तक ये नहीं होगा तब तक इन लोगों का मानना है जो किसानों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तब तक किसान की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि जब भी घोषणा होती है वो एक छलावा ही साबित होती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।